हेलो फ्रेंड्स, धनश्री केक्स हिंदी में फिर से हाजिर हूँ एक बहुत अच्छा केक लेकर। जो फ्लेवर है रसमलाई, लेकिन यहाँ हम विदाउट रसमलाई एक केक बनाने वाले हैं। कैसे बनाना है, क्या करना है, यही मैं सब शेयर करने वाली हूँ। सो चलो, यहाँ मैंने जो केक स्पॉन्ज है एक 6 इंच के टिन में 180 ग्राम प्रीमिक्स लिया था और वो मैंने बेक किया है। बाद में मैंने मालाज कंपनी का क्रश लिया है, रसमलाई क्रश आता है, और एक बाउल लिया है और उसमें मैंने कुछ हमारा दूध लिया है और दूध में शुगर और इलायची पाउडर जो आती है वही मैंने ऐड की है। हमारा दूध जो है वो अच्छा हो गया है, यानी थोड़ा टेस्टी बनना चाहिए। हम इससे ही जो स्पॉन्ज आता है वो सोक करेंगे। ये मैंने मिल्क लिया है, आप अच्छे एक मिल्क से हमारा केक की जो टेस्ट है वो बहुत अच्छी आ जाती है, इससे हम सोक करेंगे। इसमें मैंने शुगर और इलायची पाउडर ऐड की है, आप कुछ केसर के स्टैंड्स भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो यही मिल्क से मैंने केक स्पॉन्ज सोक किया है और जो क्रीम है वो मैंने यहाँ कुछ ली है और उसके ऊपर मैं यहाँ रसमलाई का क्रश ऐड करने वाली हूँ। रसमलाई का क्रश जो है वो हम क्रीम के ऊपर डालेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो क्रीम है उसको भी अच्छा रसमलाई का फ्लेवर आ जाएगा। देखो, मैंने अच्छे से मिक्स किया है और फिर बाद में हम स्प्रेड करेंगे इवनली। और फिर से हम उसके ऊपर कुछ, यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स के स्लाइस की है या फ्लेक्स है, पिस्ता फ्लेक्स मिलते हैं मार्केट में, रेडीमेड फ्लेक्स आते हैं। यहाँ मैंने सेकेंड लेयर रख दी है और वही प्रोसेस रिपीट करने वाले हैं। जो दूध है इससे हमारी केक की टेस्ट जो है वो बढ़ जाती है। फिर से थोड़ी क्रीम ली है, उसके ऊपर ही थोड़ा क्रश ऐड किया है और वही मैंने मिक्स किया है। इससे फ्लेवर जो आता है वो प्रॉपर रसमलाई का आता है। यहाँ कहीं भी मैंने रसमलाई नहीं ली है, फिर भी मैंने रसमलाई का केक किया है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, हमें रसमलाई की ऑर्डर तो आ जाती है लेकिन हमारे पास रसमलाई नहीं होती, इसलिए हम ऑर्डर कैंसिल करते हैं, नहीं तो दूसरा कुछ उसको दूसरा फ्लेवर देते हैं। तो अभी कुछ घबराने की बात नहीं है, रसमलाई का ऑर्डर आई तो एक रसमलाई की क्रश का बॉटल लेकर आओ, और जो 250-300 तक इसकी प्राइस है तो देखो अच्छे से पूरा केक जो है वो हम क्रम कोट करेंगे। इसकी प्राइस जो है आप 350 या 400 तक भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने येलो कलर की क्रीम बनाई है, मैं सब जो कलर्स आते हैं वो ब्लॉसम कंपनी के यूज़ करती हूँ। आप आपके हिसाब से, आपके पास जो है वो लिक्विड या जेल कलर, दोनों में से कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हो। तो वही क्रीम से मैं पूरा केक जो है वो कवर करने वाली हूँ। गाइस, बहुत अच्छा हमारा केक बनने वाला है, होने वाला है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, अचानक फ़ोन आ जाता है कस्टमर का, हमें रसमलाई केक चाहिए, तो हम डर जाते हैं, अभी रसमलाई तो नहीं है, क्या करेंगे, नहीं तो कस्टमर रिटर्न जाएगा, कस्टमर दूसरे कहीं से लेगा। तो अभी बिल्कुल घबराने की बात नहीं है गाइस, आप रसमलाई का केक की ऑर्डर आई, फ़ोन आया तो ज़रूर इस केक को डिलीवर कर सकते हो। बहुत अच्छी टेस्ट आ जाती है और लोगों को चाहिए उस पर रसमलाई। तो आपके पास रसगुल्ले मिलते हैं हल्दीराम के, जो वो रसगुल्ले आप थोड़ा जो मिल्क में आता है, नहीं तो येलो कलर का दूध बना सकते हो, उसमें थोड़े बॉईल कर सकते हो रसगुल्ले और वही इस पर रख सकते हो सिर्फ डेकोरेशन के लिए। नहीं तो सिर्फ हम क्रश से ही एक केक आराम से बना सकते हैं। यहाँ मैंने छोटा सा मोदक नोजल लिया है, बॉर्डर बनाई है और ऊपर के साइड से भी मैं कुछ रोजेट्स बनाऊंगी छोटे छोटे, और हमारा केक जो है वो और भी अच्छा हो जाएगा। सिर्फ ड्राई फ्रूट्स हम डालेंगे यहाँ, ड्राई फ्रूट्स से क्या होगा और रिचनेस आ जाएगा हमारे केक में। हमने दूध से सोक किया है तो और ज़्यादा उसमें रिचनेस आ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगी और हमारा केक जो है वो भी बहुत अच्छा दिखेगा। इसमें आप कुछ रोज़ पेटल्स ऐड कर सकते हो, कुछ और अपने हिसाब से कुछ केसर के स्टैंड्स ऐड कर सकते हो,
नहीं तो बहुत ज़्यादा डेकोरेशन पार्ट अपने हिसाब से आप कर सकते हो। गोल्डन या सिल्वर जो वर्क आता है वही आप ऐड कर सकते हो यहाँ। तो कुछ काजू बादाम मेरे पास है, पिस्ता है, उसके फ्लेक्स है, उससे मैं और डेकोरेट करने वाली हूँ। और हमारा बहुत अच्छा प्यारा रसमलाई केक विदाउट रसमलाई से बन गया है। इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आ जाती है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, उसमें कुछ भी कंजूसी मत करिएगा और सब्सक्राइब भी करके रखिए।